أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ऐसे आना बस निर ऐसी थोड़ी सी ना आवाज टकराएगी। निर्रोजीम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم पढ़ने की कोशिश करो, मैं जैसे पढ़ रही हूँ ना वैसे पढ़ने की ट्राई करो, ठीक है? और एक बार पढ़ती हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अब इसमें ना मुझे आप लोगों को बताना था, शायद मैंने नहीं बताई। बिस्मिल्लाह हिर हिर ऐसे बोलेंगे। हिर रोह म हिर रोह म रोह मोटा पढ़ेंगे और हा की आवाज हलक से आनी चाहिए। कैसे? हाँ अंदर से निकालो, ऐसा नहीं हा 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 बोल रहे। हा नहीं, ये हा नहीं, वो जो बोलते ना हा वो ये हा है। बिल्लाही में जो पढ़े ना बिल्लाही मिल्लाही वो हा है। और ये जो हा दिख रही है ना आप लोगों को बड़ी वाली हा, ये वाली हा, ये मेरा कर्जर है देखिए यहाँ पे, तो ये हा ऐसे निकालना है। कैसे निकालना है? हा तो ये हा और ये आई दोनों एक ही तरफ से निकलते हैं। कहां से? हलक के बीच वाले हिस्से से, मिडल ऑफ द थ्रोट। हलक के बीच वाले हिस्से से निकलते हैं। क्या निकलते हैं? ये दो लेटर्स। दोनों पे भी ज्यादा फोकस करना है, बहुत प्रैक्टिस करना है। दोनों की आवाज बहुत मुश्किल है, पढ़ते 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 आएगा इंशाल्लाह। अगर आप एक बार में आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो कोई मसला नहीं, लेकिन पढ़ना प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते करते आएगा, ठीक है? यहाँ पे देखो रॉ पढ़ेंगे, रहमान बोलना, रहमान रहीम, ये उर्दू में पढ़ते, और अरबिक में रोहमा रॉ बोलते, रॉ बोलते इसको, है ना? यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोगों को, रॉ बोलेंगे इसको। रोहमा हा की आवाज हलक से निकालनी चाहिए, से हवा बाहर आएगी, हवा मुंह से जो हवा है ना वो हवा को हलक से बाहर, हलक में से निकाल के मुंह से बाहर निकालना है। रोह 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 ऐसे रोह मे रोही। यहाँ पे दो हा है ना, तो यहाँ पे ना दोनों को भी हलक से निकालना है, आवाज को हवा बाहर आनी चाहिए। हा हा ऐसे आना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं रहमान रहीम, ये रॉन्ग है, गलत है, गलत है। इस तरह से पढ़ेंगे तो माना चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो रहमा ये अल्लाह का नाम है, रहीम भी अल्लाह का नाम है, तो दोनों को भी अच्छे से पढ़ना है। रहमाने रहीम रहमाने रहीम, अच्छे से दिमाग में बिठा लो इस बात को कि हा को हलक से बाहर निकालना है, हवा बाहर निकलेगी और आइन की आवाज तो अंदर से निकलेगी ही लेकिन हवा बाहर नहीं आएगी। जैसे कि हा में आ रहे ना, दोनों एक ही तरफ से आते हैं, दोनों दोनों का मखरज से, मखरज मतलब वो भी मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को, आवाज कैसे निकलती है, हलक से निकलती है। इसकी आवाज को ना निकालते हैं ना जब हा तो हवा बाहर आएगी, आइन में हवा बाहर नहीं आएगी लेकिन अंदर से दबा के निकालना है, ठीक है? रहमान रहीम रहमान रहीम रहमान रहीम, ठीक है ना? चलो एक बार दो एक बार पढ़ लेती हूँ मैं, अभी आज ही पढ़ा रही हूँ मैं, बस कल नहीं पढ़ाऊंगी आउज़ बिल्ला। आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है? हाँ।
तो चलो एक बार और पढ़ा देती हूँ मैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्क समझ में आ रहा ना? रहमानिर्रहीम। हवा कैसे निकल रही है? हलक से मेरे बाहर वैसे निकालना है। रहमानिर्रहीम। एक बात से ना, ये हा तो निकल जाएगा लेकिन ये आइन थोड़ा सा मुश्किल से आएगा, ठीक है ना? तो इसको ज्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है? अभी ये हो गया। अब आउज़ु बिल्ला तस्मिया तावुज मैंने पढ़ा दिया, अब आप लोगों के ऊपर है कि आप इसको प्रैक्टिस करना है। इनशाला मैं इसके जो है ना ऑडियो या फिर मैं वीडियो इनशाला इसका ना मैं शेयर करूंगी, उसको प्रैक्टिस करते रहना, तो इनशाला आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है? चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं सबक के। इसको बोलते तावुज और तस्मिया। खत्म हो गया ये हमारा, ये आज का ये सेशन, और नेक्स्ट वाला हम पढ़ेंगे मखारिज पे आएंगे भी, ठीक है? मखारिज दिख रहा है ना स्क्रीन आप लोगों को? हाँ, तो मेरी आवाज क्लियर है और मेरा स्क्रीन भी दिख रहा है ना? दिख रहा है ना मेरा जी स्क्रीन? जी जी चलो ठीक है। जी हाँ ओके, अभी देखो नेक्स्ट। आज मैं ना 7 तक ले लूंगी क्लास, लेकिन कल 6 to 6:45 ही रहेगा, क्योंकि आज थोड़ा सा ना बातें बातें भी हो गई और थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट हो गया तो टाइम इधर उधर हो गया, लेकिन कल शार्प 6 से 6:45 तक होगा, ठीक है? चलो अभी देखो यहाँ पे मखारिजे हरूफ। अब बोलती हूँ मखारिज क्या है। मखारिज के माने हैं आवाज। एक तो मखरज किसको बोलते हैं? मखरज ये अरबिक वर्ड है, इसके माने हैं निकालना, ठीक है? बहुत सी जगह ना अरबिक कंट्रीज में लिखा हुआ है खुरूज, खुरूज मतलब निकलो, एग्जिट, एग्जिट निकलना है। तो मखरज के माने हैं मखारिज। एक है मखरज, मखरज मतलब निकलना, निकालना, ठीक है? समझ में आ रहा ना? एक होता है निकलना, एक होता है निकालना। तो मखारिज हरूफ, मखारिज, मखरज ये सिंगुलर है, मखारिज ये प्लूरल है। मखारिज हरूफ, हरूफ के माने हैं लेटर्स, लेटर्स को निकालने की जगह। कैसे निकालेंगे? हलक से, जुबान से, होठों से, और बहुत से, यानी मुंह का जो टोटल हमारा माउथ होता है ना, टोटल जो हमारा मुंह होता है, वहां कहाँ कहाँ से आवाजें निकलती है, निकालना है वो यहाँ पे डिटेल में आपको बताया जाता है, ठीक है? समझ में आ गया ना? मखारिज हरूफ मतलब लेटर्स के निकलने की जगह। कौन से निकलने की जगह है? हमारा मुंह, टोटल हमारा माउथ, ठीक है? चलो अभी हम देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट है हमजा, ठीक है? मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ, ड्रॉ करके पेंट में बता देती हूँ। एक मिनट, खुल रहा है? हाँ खुल गया। हाँ चलो यहाँ पे देखो, ये आपको एक डायग्राम में ड्रॉ करके बताऊंगी। ये एक है, ठीक है? तो ये हमारा हलक है, यानी थ्रोट, गला, सबके पास है ना? हाँ, सबके पास होता है। तो ये जो हमारा है ना गला है, ये थ्रोट है। क्या है? थ्रोट, हलक। यहाँ पे थोड़ा सा लिखना मुश्किल है पेंट में, लिखती हूँ जरा आप लोग समझ लीजिए इसको, ठीक है? हाँ थ्रोट, ठीक है? तो थ्रोट के टोटल तीन हिस्से हैं, थ्री पार्ट्स हैं हलक के। ये जो हमारा हलक है ना, गला है ना, गला, इसके ना टोटल थ्री पार्ट्स है। पेंट नहीं दिख रहा क्या मेरा? नहीं दिख रहा, अच्छा नहीं दिख रहा। उसका ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा ऐसे बोल दिया करो ना। अच्छा चलो ठीक है, एक मिनट। हाँ एक मिनट, अभी आएगा। देखो अभी दिख रहा है पेंट? जी अब हाँ दिख रहा थोड़ा। है। चलो ठीक है। हाँ इस तरह से बोल दिया करो, हाँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं ना आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा। चलो ठीक है, अभी देखो। हाँ ये दिख रहा है ना आपको डायग्राम, थ्रोट। हाँ ये इस तरह से मैंने ना ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैंने थ्रोट लिखा है। इसके थ्री पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाला,
बीच वाला, नीचे वाला, टॉप मिडिल बॉटम, ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला। यहां पे मैं लिख देती हूं, एक है टॉप, एक है मिडिल और एक है बॉटम, यानी ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला, हलक का ऊपर वाला हिस्सा, हलक का बीच वाला हिस्सा, हलक का नीचे वाला हिस्सा। तो इन तीन जगहों से ना टोटल 6 लेटर्स निकलते हैं। कितने? 6, 6, ठीक है, 6। तो मैं यहाँ पे ना छोटा सा लिख देती हूँ, ये क्या आ गया, लेकिन आप लोग ये मत, वो नहीं होना कि मतलब कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है, एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे देखो, ऊपर वाले हिस्से से ना, यहाँ पे देखो, यहाँ लिख देती हूँ मैं, हमजा हा अदा होता है, सॉरी, हमजा हा नीचे वाले हिस्से से आता है, बीच वाले हिस्से से आइन हा आता है, और ऊपर वाले हिस्से से वाइन खो आता है। मैंने ऊपर नीचे कर दिया, एक मिनट फिर से लिखती हूँ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देखो, हलक के टोटल 3 पार्ट से बताए ना, ऊपर वाले हिस्से से वाइन खो अदा होता है, ठीक है, वाइन खो, बीच वाले हिस्से से आइन हा अदा होता है, और नीचे वाले हिस्से से हमजा हा अदा होता है, ठीक है ना, हमजा हा, ओके। तो अच्छे से याद रखो, 3 पार्ट्स है हलक के, ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला। ऊपर वाले से 2 लेटर्स अदा होते हैं, वाइन खो, बीच वाले से आइन हा, और नीचे वाले से हमजा हा।